इन माई लाइफ, एक सपना जो अधूरा रह गया था, एंड दैट इज़ पैशन फॉर राइडिंग। कभी सोचते थे वाइफ के साथ में लॉन्ग राइड में चलेंगे, तो दोस्तों आज हमको एक मौका मिला है और आज वाइफ राइडिंग कर रही है। तो आज हम लोग हैं डुमरी प्रखंड का नौगढ़ डैम गुमला डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों यह जगह वगैरह में रोमांचक, देखने लायक और प्रकृति से भरा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अपना भाई को प्यार देते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त में रहेंगे, मज़े में रहेंगे दोस्तों। और आज आप लोग को लेके आए हैं न्यू लोकेशन दोस्तों। ये पड़ता है डुमरी प्रखंड में, हम लोग आए हैं नौगढ़ डैम और अभी ऑन द वे में हैं दोस्तों। और हम लोग का यहाँ दोस्त लोग हैं, सब फैमिली हैं। देखिए फैमिली ट्रिप, यो जोहार, खुश पर्व। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट जोन में लिए हैं आप लोग का सीन दिखाने के लिए। देखिए पूरा बैकग्राउंड में, सेंटर में रोड है और सेंटर में ही पहाड़ है, एकदम बैकग्राउंड देखिए। और गांव का कॉस्टिक फ्लेवर इधर, पूरा बैल बकरी चराते हुए नज़ारा, और हम लोग हैं इसके बीच में। तो चलिए बिना लेट करते हुए आप लोग को आगे के लिए और ले चलते हैं दोस्तों रफ्तार में। यो तो दोस्तों हम लोग निकले हैं रफ्तार में, चल रहे हैं। देखिए बैनर में लिखा हुआ है टांगीनाथ धाम, टांगीनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध, इस एरिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर है टांगीनाथ धाम। यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, उसका गेट है। बहुत मजा रे, ये रहा बसा नदी दोस्तों, ये जाके मिलती है अपन का शंख नदी से। यहाँ का नज़ारा देखिए, बादल देखिए और इधर ग्रीनरी देखिए दोस्तों, हाई क्वालिटी जॉन। ऑन रोड, अरे लोग गाड़ी चेपो ऑन चेपो, और इधर है नेक जॉन, कम ऑन राइडिंग सेफ। ये भागी टोली, यस ये भागी टोली का रास्ता राइट ले लिए हैं दोस्तों, हाईवे छोड़ दिए हैं हम लोग और चल रहे हैं ऑफ रोड राइडिंग, पड़ रहे हैं बहुत ही मस्त। और इस तरह हम लोग ब्रिज पार कर लिए हैं दोस्तों, नॉन स्टॉप चलेंगे। फिर से हम बैठ गए और आगे बढ़ रहे हैं नदी, और यहाँ बगल में जस्ट नदी देखिए दोस्तों, एकदम छोटा सा झरिया है और बहुत ही शांत पानी बह रहा है यहाँ पर, कूल, नो साउंड। मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर बुंदीप को बोलने के लिए दे रहा हूँ, यही इसके बारे में बेहतरीन टाइप से जानता है, और बुंदीप बताएंगे कैसे जगह, कौन सा जगह अभी जा रहे हैं। फिलहाल आप कैमरा पकड़िए, हाँ चल दी दोस्तों। हाँ हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग आए हैं बहुत ही खास जगह में आए हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं काकड़ो लाता, और इसी को खखरा लाता और सिरासीता नाले भी बोलते हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग दिखाएंगे धार्मिक स्थल ऑफ जो सरना धर्मावलंबी हैं, हाँ। वे इसको श्रेष्ठ स्थल के रूप में जानते हैं, हाँ। और उनका विश्वास है, उनका मानना है कि सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई। देखिए और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, यही वो खखरा लाता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और यहीं पर बीच में है ये पेड़ वाला कोटर, और वो थोड़ा सा गहरा है, और जितने भी सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं वे यहीं से पानी को लेते हैं और इसको इसको एक मतलब आशीष की तरह मानते हैं, और इधर आसपास का जो मिट्टी है इसको भी वे ले जाते हैं और अपने घरों में रखते हैं और उसको वे लोग शुभ मानते हैं। तो यही वह जगह है जहाँ से सरना वाले लोग मिट्टी को ले जाते हैं और अपने घरों में स्थापित करते हैं, और ऐसा उनका मानना है कि इससे उनके घरों में सुख और समृद्धि बनी रहती है, हर तरह की जो दुख तकलीफ है वो दूर होती है। हाँ हम लोग देखे, बहुत ही मज़ा आया वाकई में। ये कोई ज़माने में इसके बारे में सुने थे, बहुत दिन से सुनते थे कि ये स्थल है, हम लोग का सरना भाई लोग का उद्गम स्थान है, प्रिय स्थान है, ऐसे सुनते थे। तो वाकई में आज ये जगह को देखे वाकई में बहुत ही मज़ा आया, आप लोग को भी आना चाहिए दोस्तों। सुनना, यही बगीचा है लिवंस बगीचा। वाह, और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं दोस्तों लिवंस बगीचा, पैट्रॉन टॉप छोटा नागपुर। ये है लिवंस बगीचा, इसके लोगों के लिए यह तीर्थ स्थल है जहाँ फादर लिवंस आकर कृष्णों के लिए मतलब
वहाँ यहाँ के लोगों को जगाए, लोगों को उत्साहित किए, प्रेरित किए, सुसमाचार का प्रचार किए। और यहाँ के लोगों में जो लोग जो अंधकार में थे, डर भय और तरह तरह के भूत प्रेत का प्रकोप था, लेकिन उसके आने के बाद में यहाँ के लोगों में जो ज्योति जली है, आज लोग तरह मतलब बहुत जगहों से आते हैं और यहाँ वे लोग उसके नाम में और उसका जो बोला हुआ है ईश्वर का प्रचार करना, वे लोग आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ प्रसिद्ध है के बेलगांव बगीचा। दोस्तों यहाँ फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट लीवन्स, फादर कॉन्स्टेंट लीवन आए थे और इसी एरिया में पहले जो ख्रिस्तीय धर्म प्रचारक फर्स्ट प्रचारक यही थे। और देखिए ये जगह जस्ट पहाड़ के नीचे थोड़ा सा स्टेज माने प्रेयर के लिए जगह है, यहाँ लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, प्रेयर करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बनाया गया है बेदी टाइप से। और इधर फादर लीवन्स का स्टैचू है जो पैटर्न ऑफ छोटा नागपुर है। मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि हम इसके बारे में किताब में पढ़े थे कि फादर लीवन्स आए थे पुटुंगी पारिश में, ऐसे पुटुंगी जगह में आए थे बोल के, और आज हम इस जगह में आए हैं दोस्तों। वाकई में ये मेरे लिए यादगार रहेगा। तो चल रहे हैं नीचे की ओर, थोड़ा सा ये स्टेज में हम लोग थोड़ा फोटोग्राफी चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग यादगार बनाना चाह रहे हैं कि ये जगह को जिसको हम लोग किताबों में पढ़े आज यहाँ पर आए हैं। और देखिए कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर, आप देख सकते हैं पिलर का बनावट ही देख सकते हैं कितना मजबूत से बना हुआ है। ये पहाड़ के जस्ट साइड में हम लोग चल रहे हैं। ओहो, ये वाला नज़ारा बैकग्राउंड में देखिए, बैक साइड में हम लोग जस्ट एकदम पहाड़ के नीचे हैं दोस्तों। वी आर रनिंग ऑन द फुट हिल, जस्ट ऑन द फुट हिल में देखिए रियली हैवी डाउन स्लोप एरिया और हम लोग स्लोली चलेंगे। नौगई डैम का व्यू और थोड़ा सा पानी टच किया जाए, हैवी टू हैवी एक नज़ारा आप लोग जरूर देखें। लोकेशन को वाकई में दोस्तों पूरा पहाड़, चारों ओर पहाड़ है दोस्तों। पानी अभी बारिश के मौसम में थोड़ा येलो इस कलर में आ गया है। और इधर है यो टू यो हार्ड राइडिंग 1 आवर जर्नी, ऐसा रहा सफर, शानदार था एकदम। जब मंजिल शानदार हो तो सफर भी शानदार रहेगा। ओके, तो हम लोग का यहाँ पर है बाइक, दिस इज द बाइक विच मेड डेस्टिनेशन। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कैसे मछुआरा लोग मछली बजा रहे हैं। ये है यहाँ का इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा बुंदी ब्रो से। हाँ, ये जो डैम है जिसको नौगर डैम बोलते हैं, और 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो इसी में सदनी घाघ है। सदनी घाघ एक बहुत ही खूबसूरत फॉल है, वहाँ जाने से उसका खूबसूरती को देख सकते थे। लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए कि यही वो जगह है जिसको शंख नदी का उद्गम स्थल माना गया है। वाह, माने आज हम लोग ऐतिहासिक जगह में आए हैं कि शंख नदी जो पूरा गुमला डिस्ट्रिक्ट में होकर बहती है और मिलती है आप लोग का ओडिशा वेद व्यास में, मिलन होता है कोयल के साथ में दोस्तों। और उसका स्टार्टिंग में है, कल उस दिन हम लोग गए थे, 2 दिन पहले उसका मिलन में गए थे एंडिंग में, और आज हम लोग आए हैं स्टार्टिंग में, लकी डे। तो कोई दिन होगा तो आप लोग को जरूर ले चलेंगे। अभी यहाँ पर बोटिंग का सुविधा है, लेकिन हम लोग ऑफ टाइम में आए हैं तो यहाँ बोट वोट कुछ नहीं दिख रहा है, होता तो आप लोग को थोड़ा नज़ारा दिखाते आगे में सदनी फॉल और सदनी घाघ, और वही है शंख नदी का उद्गम स्थल वगैरह में दोस्तों। तो थोड़ा सा नज़ारा का मजा लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं और आप लोग को थोड़ा सा आगे की ओर भी ले चलेंगे। और सबसे ज़्यादा तो डार्लिंग खुश है क्योंकि 1 आवर जर्नी अकेले संभाल के लाई है, ऑफ रोड राइडिंग फर्स्ट टाइम हम लोग के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस रहा। और सिस्टर दीदी भी हम लोग का साथ दी है, बिजी शेड्यूल रहते हुए भी हम लोग के साथ आई, बहुत ही मज़ा आया। वाकई में ये लवली टाइम लवली मोमेंट हम लोग के लिए रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे कार्यक्रम खाने पीने का है, तब तक के लिए सेल्फी ले रहे हैं हम लोग के लिए कुछ मंचिंग आइटम लेके आ रहे हैं। वाव, क्या है कुरकुरे, वाव। मैं आया और आप लोग का मोबाइल नहीं निकले, इसे हो ही नहीं सकता है। बूंदी बना रहे हैं यहाँ पर रील्स, हाई टू हाई क्वालिटी रील्स।
और हम दिखाएंगे आप लोग को लो एंगल से जब सनसेट का व्यू देखिए, जस्ट सेंटर में सनसेट हो रहा है दोस्तों। ये रोड के एकदम सेंटर में देखिए, थोड़ा सा डाउन स्लोप है, वहीं पर जस्ट सनसेट हुआ है। मैंने वाकई में यदि वो टाइमिंग को हम लोग पकड़े होते तो वाकई में आप लोग का आज लवली सीन मिला होता, लेकिन बैड लक नो प्रॉब्लम दोस्तों, मिलते रहेंगे, सीनरी दिखाते रहेंगे। नौगई डैम कैसा लगा? बहुत ही खतरनाक लगा, बहुत बहुत ही मस्ती किए हम लोग। कुरकुरे खाए, मूंग दाल खाए। मैंने आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा खुशी है कि कुरकुरे खाया का खाया कोई याद नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही मस्त टाइम स्पेंड किए, और वाकई में आप लोग को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जरूर इस जगह में आते हैं तो जरूर एक बार एरिया में विजिट करने की कोशिश कीजिए। ये पड़ता है कौन प्रखंड? डुमरी चैनपुर प्रखंड में है दोस्तों। ये लवली प्लेस है क्योंकि ये पहाड़ के बीच में है, एकलौता डैम, और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण कम्प्लीटली पीसफुल है, चिल है, कूल है, देखने लायक है, पिकनिक स्पॉट के लिए तो वाकई में लवली प्लेस है। तो अभी हम लोग रफ्तार से यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, घर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सनसेट हो गई है। देखिए डार्क जोन है और इस तरह का हिली एरिया है, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ जोन में चलना चाहते हैं, इस एरिया को छोड़ना चाहते हैं। तो वीडियो में बंट के रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जुहार, बाय बाय। तो दोस्तों यहां से निकल रहे हैं, बाय बाय, हो गए में लवली प्लेस। और देखिए किस तरह नज़ारा है, आप लोग देखिए दोस्तों ये शॉट देखिए, वाओ ये लवली। तो दोस्तों ये रहा आज का दिन, हम लोग का लवली टाइम, आप लोग साथ दिए, वाकई में मजा आया आप लोग के साथ में रह के। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।